सात फेरों के सात वचनों में कभी कभी जीवन साथी नहीं, जीवन भर के समझौते मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सरावत आपका निजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 13 अप्रैल का करंट अफेयर। और 13 अप्रैल का इतिहास है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, वो जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चलवा दी थी और लगभग 1000 लोग उसमें मारे गए थे। तो उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। और 13 तारीख का इतिहास था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आज का क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा युवा रचनाकारों को कितने रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो युवा रचनाकार हैं, इसके लिए पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, अब 1,00,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। और इसमें कंडीशंस में बदलाव किया गया है कि कम से कम 3 पुस्तकें उसकी प्रकाशित होनी चाहिए, उसे 1,00,000 रुपए मिलेंगे। और ये पहले 2 लोगों को दिया जाता था, अब ये 4 लोगों को दिया जाएगा। तो युवा रचनाकार के रूप में 1,00,000 रुपए का इनामी राशि जो है वो दी जाएगी। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना किसने शुरू की है? तो जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो गुजरात में ये सीमा दर्शन परियोजना शुरू की है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे शुरू किया है। तो भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू की है गुजरात में। पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किसने किया है? तो पेरियार मेमोरियल समथुपुरम एक आवासीय इकाई बनाई है वहां पे 100, उसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु के सीएम ने, एम के स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया है जो एक आवासीय इकाई है। इसमें लगभग 100 इकाइयां बनाई गई। 56 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा जाएगा? तो 56 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नीलमणि फुकन को नवाजा जाएगा और ये असमिया लेखक है, असमी भाषा के ये लेखक है नीलमणि फुकन, इन्हें 56 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है नवाजा जाएगा। कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो कला और संस्कृति से संबंधित ये खेल है राष्ट्रीय डेल्फिक, इनकी मेजबानी जो है भारत करेगा और ये 2023 में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह किस व्यवसाय से संबंधित थे? तो शिव कुमार सुब्रमण्यम जो थे वो अभिनेता और एक पटकथा लिखते थे। तो शिव कुमार सुब्रमण्यम का जो मेन व्यवसाय था वो अभिनेता, तो अभिनेता थे ये, इनका हाल ही में निधन हुआ। JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो JSW जो उत्कल स्टील है इसको ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए ओडिशा में पर्यावरण मंजूरी मिली है। ठीक है, ओडिशा में JSW उत्कल स्टील को पर्यावरण मंजूरी मिली है ग्रीन फील्ड प्लांट लगाने के लिए। DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। DRDO जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और G30 रेड्डी के करंट टाइम पे चेयरमैन है, इन्होंने क्या किया है, एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल बनाई जिसका नाम है हेलिना, और उसका सफल परीक्षण जो किया है वो राजस्थान में किया है। ठीक है, और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत है, और वहां के गवर्नर है कलराज मिश्र, और राजधानी क्या है? राजस्थान की जयपुर। ठीक है, तो DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण राजस्थान में किया है। तेलंगाना ने व्यापार निवेश बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना ने व्यापार निवेश बढ़ाने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है, थाईलैंड से मिलकर तेलंगाना में व्यापार निवेश जो है बढ़ाया जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम नए ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारतीय पेट्रोलियम जो है उसने ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए, यहाँ पे भारतीय पेट्रोलियम नहीं आएगा नए की जगह पे, कि भारतीय पेट्रोलियम ने नए ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसमें टेक्निकल जो है पेमेंट वगैरह के थे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो भारतीय पेट्रोलियम ने ग्राहक अनुभव बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। किसने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो भारत का ये पहला स्वदेशी बना है पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया, ये IIT मद्रास ने इसे
बनाया। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास में भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है। इन्होंने ही दिमाग पे रिसर्च किया था और पीछे अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस वगैरह को इम्प्रूव करने का काम भी आईआईटी मद्रास ने किया। ठीक है, तो आज की करंट के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।